से बचाव के लिए सीएम सिटी करनाल ने अब कमर कस ली है। प्रशासन ने कोरोना वायरस के बचाव के उपाय को लेकर हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा मास्क बिक्री का एक काउंटर गुरुवार को सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय परिसर में एक काउंटर खोला गया है, जिसका उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मास्क सेल कर काउंटर का उद्घाटन किया और सबसे पहले एक मास्क खरीद कर बिक्री की शुरुआत की। इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव तथा एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने भी एक एक मास्क खरीदा। उपायुक्त ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है, हरियाणा सरकार भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच आगामी 31 मार्च तक शिक्षण संस्थान बंद रखने तथा परीक्षाएं भी रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े समारोह, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को भी बैन किया गया है। उन्होंने कोरोना वायरस के बचाव के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा मास्क तैयार करने के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इससे यहां मास्क की उपलब्धता बढ़ेगी, वहीं इन महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि लघु सचिवालय परिसर में खोले गए मास्क बिक्री केंद्र से एक पीस 7 रुपए का बेचा जाएगा। एक व्यक्ति एक समय में 5 मास्क खरीद सकता है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने कहा कि मास्क की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं, जो निरंतर छापेमारी करेंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इटली से आए एक दंपत्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण की जाँच के लिए उनके सैंपल भेजे गए हैं। उपायुक्त ने मीडिया के माध्यम से जिला की जनता से अपील की है कि कोरोना से घबराए नहीं, बल्कि इसका सामना करने के लिए सजग और सावधान रहे तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी, जिसमें साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने के बारे में कहा गया है। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के सैंपलों की जांच के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में लैब खोले जाने का निर्णय लिया है, जिससे जल्द ही करनाल में ऐसे टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे और यहां आने वाले सैंपल टेस्ट के लिए बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट की रिपोर्ट भी जल्द मिल सकेगी, जिसके आधार पर उपचार संभव होगा। देखिए रिपोर्ट। आप क्या सहायता करना चाहते हैं इस टाइम? हमारे गांव देवीपुरा, घरौंडा का जो देवीपुरा गांव है, वहां पे हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मास्क बना रही हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस का कितना ज्यादा महामारी फैली हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी इसके अंदर योगदान करिए ये मास्क बना के, ताकि ये मास्क का उपयोग करके लोगों को ये वायरस से बचा जा सके। आज क्या है कार्यक्रम? आज यहाँ पे सेक्टर 12 की जो ये यहाँ पे जगह है, इधर से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर, यहाँ सेक्टर 12 के अंदर सभी ऑफिसेज हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा आते हैं और सभी लोग अगर अपनी अपनी सेफ्टी रखेंगे, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करेंगे, तो लोगों के अंदर ये फैलने से रोक सकते हैं। बताया जा रहा है कि नोट से भी संक्रमण होता है, तो क्या आप पेटीएम की कोई ऐसी सुविधा भी दे रहे हैं कि लोग पैसे जो है पेटीएम से आपको ट्रांसफर कर सकते हैं? पेटीएम से भी पेमेंट की जा सकती है। कितनी कॉस्ट आती है इसके मास्क पे आप तैयार करने? 7 रुपए की कॉस्ट आ रही है। ये मार्केट से जो मास्क मिलता है उससे काफी बेटर क्वालिटी का कपड़ा इसके अंदर यूज किया जा रहा है और इसको थोड़ा ज्यादा वक्त तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जिस तरीके से 1-2 घंटे से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, इसको आप 4-5 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोना। एक आदमी क्या चलाते हैं आप? मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हूँ, करनाल ब्लॉक। थैंक यू। इसका उद्घाटन किया है। ये मास्क है जो 7 रुपए का इसका रेट निकाला है और एक आदमी 5 मास्क ले सकता है और इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। अगर कोई भी इससे आदमी, बाहर से कोई आदमी आता है, उससे कम से कम हम दूरी बनाए रखेंगे। इससे मास्क से ओढ़ने से हम कम से कम संक्रमण हमारे नजदीक नहीं आएगा। आज जो ये
कोरोना वायरस का एक जू चला हुआ है, उस सिलसिले में एक बात सुनने में आती है कि कई बार मास्क की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्होंने एक काउंटर यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट में चालू किया है, उसमें सब लोगों को 7 रुपए की कीमत पे मास्क अवेलेबल कराया जाएगा। ये मास्क का जो मटेरियल है वो ये हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही परचेज करती हैं, उसको अपने स्तर पे तैयार करती हैं, और अभी आज के दिन इनके पास 5,000 मास्क का स्टॉक अवेलेबल है। डिमांड के बेसिस पे ये और भी स्टॉक को बढ़ाने की इनकी क्षमता है। इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव सिद्ध होगा हमारा, इसका एक तो ये कि मास्क या अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो मार्केट में एक पैनिक था वो अब नहीं रहेगा, तो जिसको भी मास्क यहाँ से लेना है वो मास्क ले सकता है, और दूसरा स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बनेगी, उसमें आत्मरोजगार का एक ये जरिया उत्पन्न होगा। अब मार्केट के अंदर लगातार मास्क को लेकर कालाबाजारी, उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है और कितनी चेकिंग वगैरह? प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, हमने जो अलग अलग टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं, अगर कोई इस तरह की होर्डिंग कर रहा होगा और कालाबाजारी कर रहा होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और उसके अल्टरनेटिव के तौर पर हमने एक जगह शुरू की है कि लोगों को अगर कहीं पर भी ना मिले तो यहाँ से आके वो ले सकते हैं। सिर्फ सामान्य अस्पताल में 3 मरीज हैं आपको जानकारी में आया होगा? जी, उनका रिपोर्ट बिल्कुल, उनका जो सैंपल लेके भेजा गया है कल, शायद इसमें उम्मीद है कि हमारी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बेसिस पे जो भी है कार्रवाई करेंगे। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 ही टेस्टिंग लैब्स की फैसिलिटी है, पीजीआई रोहतक में और बीपीएस खानपुर कला में, तो सरकार की तरफ से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी टेस्टिंग लैब की फैसिलिटी मंजूर कर दी गई है। हम आशान्वित हैं कि आज या कल में यहाँ पे भी लैब शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में, अब उसके बाद हमें सैंपल्स बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, हम यहीं पे अपने सैंपल्स टेस्ट कर पाएंगे। तो सर कहाँ से मरीज है जानकारी शुरू? इनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये बाहर से विदेश से इटली से ट्रैवल करके आए थे, तो कपल है दंपति है, तो अभी इनके बारे में ना तो हम इनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना उचित होगा प्राइवेसी को देखते हुए, और ना ही इनके बारे में कुछ और कमेंट करना उचित होगा, क्योंकि सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी रहेगी। जी, इनपे सिम्टम्स पाए गए हैं जो कोरोना वायरस के हैं, जो जैसे फीवर है, गला खराब होना है, कफ है, स्नीजिंग है, तो इनफैक्ट जो भी सैंपल भेजे जाते हैं वो उन्हीं लोगों के भेजे जाते हैं जिनमें सिम्टम्स मिलते हैं। टोटल कितने हैं सर? तो अभी 3 लोग एडमिटेड हैं, 6 लोगों के ऑलरेडी सैंपल्स भेजे थे, वो नेगेटिव आ चुके हैं, उनमें भी सिमिलर सिम्टम्स थे, तो जिन जिन के सिम्टम्स हैं उन्हीं के सैंपल हम भेजते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि एक तो गैदरिंग जो है, पब्लिक गैदरिंग, मास गैदरिंग, उसको अवॉइड करें, हाइजीन बरतें, हैंड वॉश करते रहें, उनको थोड़े से भी सिम्टम्स नजर आते हैं, बुखार, गला खराब, खराश, खांसी वगैरह, तुरंत जनरल हॉस्पिटल या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अपना टेस्ट करवाएं, और ज़्यादा मेन इसमें यह कि आइसोलेशन को प्रेफर करें, घर में ही रहें, इसलिए सरकार ने स्कूल कॉलेज सब चीज़ों की छुट्टियां की हैं। आजकल कई सारे धार्मिक प्रोग्राम वगैरह, जगराते वगैरह, इनकी पत्नी भंडारे वगैरह की बातें चली गई हैं, तो वो भी ना तो हम परमिशन दे रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से इन चीज़ों पर पूरी तरह बैन है, इसलिए इनमें शामिल ना हो। कुछ घरों में शादियाँ, इस तरह का भी प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो कम से कम लोगों को उसमें इनवाइट करें ताकि सबकी स्वास्थ्य जो है वो सेफ रहे। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं? जी, 12वीं जो 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है 31 तारीख तक, उसके बाद नया शेड्यूल आएगा, उसके आधार पर परीक्षा। क्या सैनिटाइजर भी रखने का? सैनिटाइजर हमने ऑलरेडी जो मिनी सेक्रेटरीट है हमारा, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है और जो सेकंड सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है उनकी कुछ एंट्रीज पे तो हमने लगवा दिए हैं, जैसे आप देखेंगे जो मेन पोर्च वाली एंट्री है वहाँ सैनिटाइजर लगवा दिया गया है, बाकी जगह पे भी हम जो है आज शाम तक सैनिटाइजर्स लगवा देंगे, साथ ही जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है वहाँ सैनिटाइजर लगेंगे, और जो थर्मल स्कैनर है जो बेसिकली फोरहेड पे पॉइंट करके और टेम्परेचर का मेजरमेंट जिससे हो जाता है वो भी हमने परचेज ऑर्डर दे रखा है, जैसे ही वो आएगा तो भी मेन तो वो भी मुख्य एंट्री स्पॉट्स पे वो भी लगा। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.